अकेला दौड़ोगे तो भाई हमेशा फर्स्ट ही होगा, ये बात हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर ने बताई। और तो कुछ मेरे याद रहा ना रहा, पर उनके पढ़ाए हुए 20 पे कैल्शियम 30 पे जिंक ये तो याद रह न रहे, लेकिन ये एक बात जरूर याद रहेगी कि अकेले दौड़ोगे तो फर्स्ट ही आओगे। हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड कल जो हेयर कटिंग कराई है तो बाल भी पूरे टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। एंड फाइनली आज जिस चीज़ का इंतजार था वो हो गया, मतलब दो तीन दिन से धूप ना निकली, आज धूप निकल गई। पीछे दिख रहे हैं पौधे लगा रखे हैं, घर वालों ने लगा रखे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे लग रहे हैं हमारे गमले, आपको दिखाते हैं। घर पे लगा रखे हैं, सामने जो मुंडेर है ना उस पे लगा रखे हैं, यहाँ पे भी लगा रखे हैं बाहर में, तो थोड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब घर भी एकदम डेकोरेट लगता है और अच्छी वाइब्स भी आती हैं और ग्रीनरी भी रहती है। नागफनी है, ये एलोवेरा है। तो भाई लोग अपना रेडी वगैरह तो हो गए एंड बाल बहुत टाइम बाद आए, तो भाई अपना कटवाने का बाल वाल बहुत मुश्किल से आए और अभी भी ना ठीक से खड़े ना हो पा रहे, तो इस बात का अभी तक दुख रहेगा। मतलब हो गए 2-2.5 महीना हो गए मेरे को बाल कटाए हुए, पर अभी तक बाल ठीक से आ ही ना पाए, मतलब अभी भी साइड से छोटे छोटे हैं। और हेयर कटिंग वगैरह कराई है, अभी जाऊंगा मेरे पैर पर जो थोड़ी सी चोट लगी हुई ना, तो वो अभी थोड़ी ठीक ना हो पाई, तो पहले वो भी ठीक करानी है। और मैंने पट्टी करानी फिर बंद कर दी बीच में, घर पर खुद से ही पट्टी कर रहा और मेरे पे ठीक से पट्टी हो ही ना पा रही, तो वो चोट फिर से दुखने लगी। और अब मैं आज फिर पट्टी करवाने जा रहा हूँ इस पर ठीक से, और अब रेगुलर पट्टी करवाऊंगा जब तक ठीक ना होने की है। तो फिलहाल पहले मैं पट्टी करवाने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है, कहाँ चलना है क्या नहीं करना। एक तो डॉक्टर ही है हमारे गाँव में, वो भी आधे दिन फरार रहे हुए, थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ है, मतलब अब पट्टी करवानी है, पट्टी करवाने ब्रिज घाट जाना पड़ रहा है, ज़्यादा ही पिछड़े क्षेत्रों वहाँ है यार हमारा गाँव। क्लिनिक पे पहुंच गए, अपना वेट चल रहा है डॉक्टर साहब का। और डीजे पे भाई जहाँ देख रहा हूँ हर जगह यही गाना चल रहा है, अलबेले तांगे वाली, अलबेले तांगे वाली हो गई है, बवाल हो गया। बड़े ही कमेरे बालक हैं भाई, कहीं हो चढ़ जाना पेड़ पेड़ पे। से गन्ने का ट्रैक्टर आ रहा और मैंने उसे बचाने के लिए ना अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी, ये नीचे से अड़ भी गई और नीचे से लग भी गई, उसमें नीचे बीम सी डली हुई है ना ईंटों की, उसमें लग गई, देखो कैसे निकलेगी। ये इधर की तरफ से लगी है ईंटों पे, पट्टी वगैरह तो होगी। और उसने मेरे को यार खाने के लिए हो ना दवाई दिया डॉक्टर ने, भाई क्या लग रही है बंगा, सही में भाई क्या लग रही है, पूरे ऊपर मुहाली मुहाल उड़ रही है भाई, पता ना कहाँ से है। आज बसंत पंचमी तो आकाश बोल रहा है पतंग उड़ाएंगे, पर मेरे से पतंग उड़ानी आती ना, तो वो आकाश थोड़ी देर मारा, वो बोला मेरे से पतंग उड़ानी, तो बोला तू पतंग लेके आ जा, तो मैं भी पतंग लेने जा रहा हूँ। और आज बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी पे थोड़ा पतंग उड़ा लेंगे और थोड़ा सीख भी लेंगे कैसे उड़ा हमें पतंग। और हवा भी चल रही है, अगर हवा ना चल रही हो तो मैं लेने भी नहीं जाता, हवा चल रही है तो देखेंगे कैसे उड़ाएंगे पतंग, कैसे न उड़ाएंगे। पतंग वगैरह तो मैं ले आया, पर उड़ानी मेरे से भी ना आती ना आकाश से आती, अब ट्राई करने वाले हैं फर्स्ट टाइम, मतलब एक ऐसे ट्राई बहुत बार करा अभी तक उड़ी ना, तो ट्राई करना ही छोड़ दिया, पर आज ट्राई करने वाले हैं। अब मैं भी उड़ाऊंगा और आकाश भी उड़ाएगा और देखेंगे, हवा चल रही है तो उड़ भी सकती है, और ट्राई करेंगे कैसे उड़ेगी पतंग वगैरह। अभी मैं यूट्यूब पर सीख रहा हूँ पतंग कैसे उड़ाते हैं, एक बार सीख गए तो फिर तो उड़ाना ही लगूंगा, और अभी पहले मैं सीख लूँ फिर देखता हूँ कैसे उड़ाते हैं पतंग। पतंग उड़ाने में माहिर गौरव आ गया है मेरे साथ पतंग उड़ाने के लिए, अब अभी उड़ानी गौरव पतंग सही में आवे, जल्दी बांध फिर जल्दी सही से जल्दी करो। पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिशें करते हुए तू खामू खाम ही कह रहा तेरे को उड़ानी आवे, साले झूठ बोल रहा, उड़ानी आती ना है पतंग, उड़ानी ना आती है कह रहा मेरे से उड़ानी आवे, उड़ी ना रही यार, हवा भी चल रही है बहुत तेज, चलो उड़ा, गोई 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 गोई, अबे बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं पर उड़ी ना पा रही पतंग, क्योंकि हम में से किसी पे उड़ानी ना आती ना मेरे पास ही ना इनमें से किसी पर आती, और आकाश अभी काम से थोड़ा बाहर है तो आकाश आई ना पा रहा, आकाश पर भी थोड़ी बहुत है, उस पर भी पूरी ना आती, उस पर भी थोड़ी बहुत ही पतंग उड़ानी आवे, बहुत देर होगी उड़ाते हुए यार, एक पतंग फाड़ ओढ़ दी हमने तो उड़ानी ना आती, यही तो यार डिसएडवांटेज होता है पतंग ना उड़ाने वाले पे, एक बार सीख गया ना फिर तो डेली उड़ाया करो, क्योंकि पूरा आसमान ना हमारे यहाँ पे खुला हुआ है, पेड़ जो है सब कट गए, तो पूरी मजा आएगा, मतलब पूरी खोल दे करेंगे रेस,
और सामने हमारे कोई कंपटीशन में रह कर ही ना है, हम अकेले उड़ाई करेंगे और अकेले दौड़ोगे तो वही हमेशा फर्स्ट ही होगे, ये बात हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर ने बताई। और तो कुछ मेरे याद रहा ना रहा, पर उनके पढ़ाए हुए 20 पे कैल्शियम 30 पे जिंक ये तो याद रहे न रहे, लेकिन एक बात ज़रूर याद रहेगी कि अकेले दौड़ोगे तो फर्स्ट ही आओगे, तो ये कंपटीशन वाली बात हमेशा याद रहेगी मेरे उनकी। तो अभी हम ही उड़ा रहे हैं यहाँ पे, तो मंजा वगैरह कुछ ले गए ही ना है, तो उड़ाएंगे थोड़े बहुत, देखेंगे कैसी उड़ेगी पतंग कैसी नहीं उड़ेगी, और बाकी ट्राई तो हम कर ही रहे हैं, एक ना एक दिन तो सीख ही जाएंगे। बहुत देर ट्राई कर ली पतंग उड़ाने की, भाई हमसे तो पतंग उड़ी ना कम से कम 1.5-2 घंटे हो गया उड़ाते उड़ाते, पतंगें ना उड़ रही, हम सब ने मतलब छोड़ दिया, थोड़ा टाइम भी हो गया ज़्यादा सा अपना, छोड़ दिया, जब टाइम मिलेगा अब जब उड़ाएंगे, पहले अच्छा सीख लें, कोई अच्छा एक्सपर्ट मिलेगा पतंग उड़ाने वाला, पहले उससे सीखूंगा कैसे उड़ाते हैं पतंग, या यूट्यूब पर और वीडियो वगैरह देखूंगा कैसे उड़ाते हैं, उसके बाद ट्राई करूंगा। अभी तो मैंने ऐसे रख दूंगा फिलहाल तवे बना के, उसके बाद उड़ाएंगे, आप यहीं छोड़ दें इसे फिलहाल पतंग उड़ाने को। बसंत पंचमी स्पेशल पे हमने 3 पतंग तो कर दी खराब, और 3 पतंगें ये बची हुई हैं, इन्हें उड़ाएंगे बाद में जब पूरा सीख जाएंगे उड़ानी, किसी एक्सपर्ट से सीखूंगा पहले उड़ानी को, यहाँ पे आसपास में लड़के उड़ाते रहे उनसे सीखूंगा कैसे उड़ा मैं पतंग, तब उड़ाऊंगा इन 3 पतंगों को। आज हमने पतंग उड़ाने के नाकाम कोशिश करी पर पतंग उड़ानी ना आती तो इसलिए उड़ी भी ना, एंड आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, लव यू ऑल, टेक केयर। यहाँ खेत पर अच्छा खासा ये लीक ये रास्ता दे रखा है निकलने के लिए, लेकिन इसमें पानी भर गया तो लोग बागों ने हमारे खेत में से यहाँ से रास्ता बना दिया, सारी की सारी खराब कर दी, सारा खराब कर दिया यार, कह वो तो फिर लड़ाई हो जाता है और तो कुछ ना होता। अब ये डबल रास्ता बनाने की क्या जरूरत थी, निकलना तो इसमें से निकल जाते ना भाई, हमारा नुकसान किसी को दिखता ही ना है, कोई परफेक्ट ड्राइवर ही लगा सकता है यहाँ पे गाड़ी पर, क्योंकि इधर भी पेड़ आ रहा बिल्कुल और ये यहाँ पे भी पेड़ आ रहा बिल्कुल, परफेक्ट ड्राइवर ही समझो एक तरह से, मेरे को भी बन गया तुम्हारा भाई परफेक्ट ड्राइवर। आ गया हूँ के खेतों में, पीछे पीली पीली बंगा, वाह वाह ताज वाह वारी कुदरत तेरा भी क्या करिश्मा है, बंगा पीली कर दी तूने भी, बताओ बंगा पीली है क्या, क्या लग रही है भाई, भाई क्या लग रही है सही में, क्या लग रही है भाई, क्या लग रही है बंगा, भाई क्या लग रही है बंगा पीछे खेत में सही में भाई, क्या लग रही है। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर यार और जिस भाई ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, बहुत दुख होता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, लव यू ऑल, टेक केयर।